हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड। जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। इसके लिए हम लेंगे दो पर्दे लेंगे। यहाँ पर हमने दो पर्दे लिए, एक है ये पर्दा ओ और दूसरा है पर्दा, इसको मान लेते हैं एम पर्दा है और ये वाला पर्दा एन है। ठीक, ये एम पर्दा है और ये एन पर्दा है। पर्दे एम के अंदर यानी एम में दो छिद्र किए गए हैं, दो रेखा छिद्र किए गए हैं। एक है S1 यहाँ पर और एक है S2 यहाँ पर। तो दो छिद्र किए गए हैं S1 और S2। इन दोनों छिद्रों पर तरंगाग्र इस स्रोत S से आता है। इस स्रोत S से इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता हुआ तरंगाग्र S1 और S2 पर पहुँचता है। इस तरीके से आगे की ओर यहाँ बढ़ता हुआ आगे जाएगा और पर्दे एन पर प्रतिबिंब की हमें फ्रिंजें प्राप्त हो जाएंगी एन पर्दे पर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि स्रोत S1 से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर चलती हैं इस तरीके से, तथा S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं यहां से चलती हैं। क्योंकि S1 ऊपर है और S2 नीचे है, इसलिए S2 से तरंगिकाओं को लंबाई अधिक तय करनी पड़ेगी। अर्थात ये जो आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा दूरी है ये वाली जो एक्स्ट्रा दूरी है ये अधिक तय करनी पड़ रही है S2P तरंगों को। अर्थात ये इन दोनों तरंगों के पथों का अंतर है, इसीलिए इसको हम कहेंगे पथांतर। क्या कहेंगे इसको? पथांतर। आगे बढ़ जाते हैं तो हमें पता चल चुका है कि पथांतर क्या है। एस टू ए यहाँ पर पथांतर है। माना ये तरंग कहाँ हैं, एस वन एस टू स्रोत से चलती हैं और बिंदु पी पर पहुँचकर द्वित फ्रिंज या अद्वित फ्रिंज का निर्माण करती हैं। माना इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल डी है। बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल डी। आगे बढ़ते हैं। जितना मैंने अभी आपको ये समझाया है वो सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। माना S एक प्रकाशिक स्रोत है, इससे समान दूरी पर दो S1 S2 तरंग स्रोत हैं। इनसे चलने वाली प्रकाश किरण S1 तथा S2 समान कला में पहुँचती हैं, जिनके कारण व्यतिकरण के फलस्वरूप पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। माना पर्दे के बिंदु O पर फ्रिंज प्राप्त होती है और पर्दे का केंद्र O है। O से x दूरी पर बिंदु P पर S1 S2 से पर्दे की दूरी कैपिटल D है और S1 S2 से P पर पहुंचने वाली तरंगिकाएं या किरणों के पथ S1P तथा S2P हैं। तब इन तरंगों के बीच पथांतर S2P माइनस S1P अर्थात S1 से S2P पर खींचा गया लंब S2A होगा। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? S2P माइनस SP1। ये वाली तरंग बड़ी तरंग में से छोटी तरंग को घटा देंगे तो पथांतर आ जाएगा S2A। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज S1 S2A व त्रिभुज CPO में। समझ गए? इस तरीके से बताना चाहेंगे आपको S1 S2A। वह त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हमने लिया है यहाँ पर CPO में। ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए हैं और ये दोनों के दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समरूप त्रिभुज का मतलब मैं होता है भुजाओं में संबंध कि थीटा के सामने वाली भुजा अपॉन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा ये है यहाँ पर, तो सामने वाली भुजा ये हो गई S2A। तो S2A अपॉन 90 डिग्री ये वाला कोण है, तो 90 के सामने वाली भुजा ये वाली हो जाएगी।
समझ गए। 90 कोण ये वाला है तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी S1 S2, तो S2A upon S1 S2। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा ये है PO upon 90, ये है 90 के सामने वाली भुजा ये है CP या PC। चूँकि CP की तुलना में ये छोटा है, बहुत छोटा है, S1 S2 CP की तुलना में बहुत छोटा है, अतः CO बराबर CP हो जाएगा। तो PC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CO लिख सकते हैं हम। इसके पश्चात S2A की वैल्यू डेल्टा X, S1 S2 X upon D, S1 S2 की वैल्यू स्मॉल d होती है, तो यहाँ से हमने पथांतर निकाल लिया। पथांतर क्या है, डेल्टा X बराबर X स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें प्राप्त होने वाली फ्रिंज या तो दीप्त है या कैसी होगी, अदीप्त होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लिया कि यदि पहली जो बिंदु पी पर फ्रिंज प्राप्त है वो कैसी है, दीप्त फ्रिंज है। अगर दीप्त फ्रिंज है तो तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा, तो तरंगों के बीच पथांतर होगा 0 λ 2λ 3λ .. इस तरीके से पथांतर होगा। अब ये पथांतर क्यों होगा, क्योंकि इसलिए कि जब तरंगिकाएँ दीप्त फ्रिंज बना रही हैं तो पथों में अंतर नहीं होना चाहिए, एक साथ किसी भी बिंदु पर पहुँचेंगे, इसलिए पथांतर 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा। और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कलांतर बराबर 2π अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। फॉर्मूला होता है कलांतर बराबर 2π अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर डेल्टा एक्स। और हम जानते हैं कि दीप्त फ्रिंज के लिए कॉस फाई की वैल्यू हमेशा 0, 2π, 4π और 6π यानी कि सम पाई होती हैं। तो 0 रखने पर, अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो हमारे पास लैम्डा डेल्टा एक्स आ जाएगा 0। अगर हम यहाँ 2π रखते हैं तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, और केवल आ जाएगा लैम्डा। तो पहला 0, दूसरा लैम्डा। और अगर हमने 4 रखेंगे, 4 यहाँ रखा तो 2 बार कट जाएगा, 2 × 4 तो आ जाएगा यहाँ पर 2λ, और 6 रखेंगे तो आएगा 3λ, ऐसे 5 रखेंगे वो सॉरी 8 रखेंगे तो आएगा 4λ, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो हमें पता चल रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, कि डेल्टा एक्स बराबर हम कह सकते हैं m λ, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, m λ, डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, m λ। तो हमने डेल्टा एक्स की यानी पथांतर की वैल्यू क्या कर ली है, पथांतर की वैल्यू को लिखा है डेल्टा एक्स बराबर m λ, और जहां m बराबर क्या कर दिया है, m बराबर हमने बोला है 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं, हमारा पथांतर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं कि पथांतर हमने क्या रखा है, डेल्टा एक्स बराबर m λ, और m बराबर 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे जब हम आए अपने पथांतर पर, तो पथांतर पर आने के बाद क्या होगा, देखिए देखेंगे अब कि वैल्यू हमें गिवन है, और यहाँ पर हमने रखा है xd upon small d बराबर m λ, ये डेल्टा x की वैल्यू हमने लिख दी। तो यहाँ से x की जो स्थिति आ जाएगी वो क्या आएगी, x बराबर md λ upon small d, ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति हो गई। यदि पर्दे के बिंदु पर प्राप्त फ्रिंज अदीप्त है, अगर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है तो क्या होगा, अदीप्त फ्रिंज के लie पथांतर ये हो जाएंगे λ/2, 3λ/2, 5λ/2। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पथांतर कैसे होंगे, तो इसके लie हमने अभी बताया कलांतर और पथांतर में संबंध की फाई बराबर होता है, कलांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स पथांतर। और हम जानते हैं
हम जानते हैं कि अभी जो हमने बात की, कि फाई बराबर टू लेमडा अपॉन टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और ये जो अदीप्त फ्रिंज बनती है तो हमारे पास विनाशी व्यतिकरण होता है, और विनाशी व्यतिकरण के लिए न्यूनतम तीव्रता होनी चाहिए, अर्थात कॉस फाई की वैल्यू माइनस वन, अर्थात फाई बराबर हमारे पास होता है पाई, होता है कोमा थ्री पाई होता है कोमा फाइव पाई होता है सेवन पाई होता है, अर्थात जितने भी हैं विषम पाई चलते रहेंगे, तो फाई बराबर है ये सब कुछ, ठीक है, फाई बराबर है ये। तो अगर हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि हमारा पहला क्या है, पाई है, पहला वाला कौन सा होता है, पाई, तो अगर मैं पाई लिखता हूँ इसकी जगह, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा ऊपर पहुँचेगा यहाँ पर और टू इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो लैम्डा अपॉन टू आ जाएगा, पहला वाला हमारा पथांतर मिल जाएगा लैम्डा बाई टू। अगर मैं यहाँ थ्री लैम्डा लिखता हूँ, थ्री पाई लिखता हूँ, तो पाई से पाई कैंसिल, थ्री लैम्डा अपॉन टू हो जाएगा, तो दूसरा पथांतर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हम फाई की जगह फाइव लैम्डा लिखते हैं तो फाइव लैम्डा बाई टू हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सेवन रखते हैं तो आगे का लैम्डा आ जाएगा सेवन लैम्डा बाई टू, इस तरह से आगे चलता रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, इस तरह से हमें ये फ्रिंज पथांतर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ प्राप्त हुई कि लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई टू के रूप में आ रहा है हमारा पथांतर, लैम्डा बाई टू के रूप में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि विषम पदों में आ रहा है, तो मैं एम बराबर लिख सकता हूँ और डेल्टा एक्स बराबर, सॉरी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बराबर एम लैम्डा बाई टू, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर एम माइनस वन बाई टू लगाएंगे और लैम्डा। ये ऐसा इसलिए किया है कि एम की जगह अगर हम वन टू थ्री कुछ भी रखें तो ये पथांतर हमारे प्राप्त होते जाएंगे। अगर हम वन रखते हैं तो वन में से एक आधा जाएगा तो लैम्डा बाई टू पहला बचा, दो रखते हैं तो दो दूनी चार, दो दूनी चार में से एक गया तो तीन बटे दो दूसरा वाला आ जाएगा, और तीन रखें तो दो तीन छः में से एक गया तो पाँच बटे दो तीसरा आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे सारे के सारे पथांतर आते चले जाएंगे। तो इसलिए अब हम m बराबर क्या लिखने वाले हैं, m माइनस वन बाई टू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो m बराबर हमारा क्या आ जाएगा, m माइनस वन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब हमें चाहिए चौड़ाई, क्या चाहिए, फ्रिंज की चौड़ाई। चौड़ाई याद करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे कि एम वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे, उसके बाद एम प्लस वन वी दीप्त की स्थिति निकालेंगे और दूसरी में से पहली को माइनस कर दें तो चौड़ाई आ जाएगी। तो एम वी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स एम बराबर एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एम प्लस वन की क्या हो जाएगी, एक्स एम प्लस वन, एम की जगह एम प्लस वन आ जाएगा, एम प्लस वन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कौन ये चौड़ाई हो जाएगी, एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम, यानी कि दूसरी वाली में से पहली को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कॉमन दोनों में से, यहाँ बचा एम प्लस वन माइनस एम, एम से एम कैंसिल और रह गया क्या, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से ये फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम बात करेंगे फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, या फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है एम वी कोणीय फ्रिंज की स्थिति, कोणीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें बात होती है थीटा की, कोण का मतलब होता है थीटा से, थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या, और चाप बटे त्रिज्या थीटा बराबर ये फॉर्मूला है। और आगे बताना चाहूँगा कि जब हमने ये सॉल्व किया है तो दो पर्दे लिए थे, अभी हमने दो पर्दे लिए, एक और एक, ये दो, ठीक है, ये बीच की दूरी डी हमारी त्रिज्या कहलाएगी, और जो इस तरीके से हमने थीटा बना है तो यहाँ की जो एक्स है वो हमारी चाप कहलाएगी, एक्स क्या कहलाएगी, चाप, तो एक्स अपॉन डी ये हो जाएगी हमारी कोणीय चौड़ाई,
क्या बनेगी, एक्स अपॉन डी, चाप बटे त्रिज्या, समझ गए। तो आगे बढ़ेंगे चाप बटे त्रिज्या से, चाप बटे त्रिज्या में क्या आया, एक्स एम अपॉन कैपिटल डी, तो एम एक्स एम की वैल्यू रखी, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, तो थीटा एम बराबर आ जाएगा एम लेमडा अपॉन स्मॉल डी। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं एम प्लस वन भी कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई, सॉरी कोणीय फ्रिंज की स्थिति, तो एक्स एम प्लस वन हो जाएगा, एम की जगह क्या आ जाएगा एम प्लस वन, एम प्लस वन लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये हो चुका है यहाँ पर, यहाँ तो थीटा एम की और थीटा एम प्लस वन की स्थिति हमने निकाल ली। अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के क्या करेंगे, चौड़ाई ज्ञात करेंगे फ्रिंज की कोणीय स्थिति या कोणीय चौड़ाई, इसको बोलेंगे कोणीय चौड़ाई। थीटा बराबर हो जाएगा थीटा एम प्लस वन, थीटा थीटा बराबर हो जाएगा थीटा एम प्लस वन माइनस थीटा एम, ये हो जाएगा थीटा एम प्लस वन माइनस थीटा एम। तो इन दोनों में से लेमडा बाई डी कॉमन हो जाएगा, तो एम प्लस वन माइनस एम, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, लेमडा अपॉन डी, क्या बचेगा लेमडा अपॉन डी, ये है कोणीय चौड़ाई का व्यंजक। तो बच्चों इस तरह से आप व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लें वीडियो को, अच्छी तरीके से समझें, पूरे ध्यान से बिल्कुल समझ में आएगा। और ये कुछ शर्तें हैं प्रतिपालित व्यतिकरण की, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं और इसे याद पढ़ सकते हैं। साथ ही कलांतर का फॉर्मूला दे रखा है और दो न्यूमेरिकल के लिए नोट्स दे रखे हैं। यदि द्वीप फ्रिंज हैं तो कलांतर हमारा होता है 2m पाई, यानी एम बराबर 0, 1, 2, 3, और अद्वीप फ्रिंज हैं तो कलांतर होता है 2m-1π, 1, 2, 3, 4। ओके बेटा, ओके बच्चों, ओके बेटा, बाय, गुड नाइट।